वैसे इस मिथ के मुताबिक ये कहना है कि ब्रीज काफी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि वो जो है भाई हमारे एरोस को भी रिफ्लेक्ट कर सकता है, जो है विंड चार्ज की मदद से भी अपने टीएनटी को ब्लास्ट करवा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे। तो हाँ मेरे माइनक्राफ्ट निवासियों, आज की वीडियो में हम ऐसे कुछ मिथ सर्च करने वाले हैं जो कि आपको क्लियर नहीं है कि वो एग्जिस्ट करते भी हैं। चलिए फिर आपके साथ जुड़ चुका है एज द मिथ बस्टर, तो आइए करते हैं कुछ मिथ बस्टर, बताता हूँ आपको कि वो वर्क करते भी हैं। क्योंकि तो हमारा पहला मिथ निकल के ये आता है कि हम विंड चार्ज की मदद से जो है क्लच कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं कैसे। क्योंकि तो आपको भाई ऊंचाई पे आ चुका है, सिंपली मेरे को नीचे जाना है कुछ ऐसे करके और देखते हैं भाई, और भाई मैंने क्लच कर दिया है। तो इसी के साथ सफलता पूर्वक ये जो मिथ है एकदम से कंफर्म हो चुका है। वैसे सुनो कि भाई ये जो मिथ है हम 1.21 वाले वर्जन पे टच करें तो इसके अंदर हमें ब्रीज देखने को मिलता है। तो इस मिथ का कहना है कि ब्रीज को फुल डैमेज नहीं पड़ती, तो आइए टेस्ट कर लेते हैं। इजीली इसको नीचे फेंकेंगे और भाई सच में भाई इसको फॉल डैमेज बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। आई डोंट नो कि भाई इस वाली वीडियो में सारे मिथ ही कंफर्म होने वाले हैं या फिर नहीं, क्योंकि ये वाला मिथ भी कंफर्म हो चुका है। वैसे इस मिथ के मुताबिक ये कहना है कि ब्रीज काफी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि वो जो है भाई हमारे एरोस को भी रिफ्लेक्ट कर सकता है। तो आइए देखते हैं इसको एरो मार के क्या ये रिफ्लेक्ट करता है या फिर नहीं। सो सिंपली गाइस मैंने बोल ले लिया, इसके ऊपर तीर चलाते हैं कुछ ऐसे करके और देख पा रहे हो भाई कैसे तीर एकदम से नीचे जाते जा रहे हैं। दूर से मारकर देखते हैं इसके हेड पे एकदम से लीजिए, और भाई एरो एकदम से नीचे जाते जा रहे हैं। देख पा रहे हो कि एरो भाई कैसे नीचे ये फेंकता जा रहा है। भाई इसको तो एरो नहीं लग रहा है, मतलब भाई दिस मिथ इज 100% कंफर्म। भाई ऐसे में हमारा ब्रीज काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। तो टीएनटी को ब्लास्ट करने का सबसे सही तरीका कौन सा? सिंपली हम क्या करते हैं, फ्लिंट से कुछ ऐसे करके इसको ब्लास्ट कर देखते हैं। लेकिन भाई स्मिथ के मुताबिक हम जो है विंड चार्ज की मदद से भी अपने टीएनटी को ब्लास्ट करवा सकते हैं, तो आइए देखते हैं कैसे। तो ओके सिंपली हम जाएंगे क्या, नीचे जाते हैं, बराबर से टीएनटी को कुछ ऐसे लगा देते हैं और मारते हैं इसके ऊपर विंड चार्ज। अरे भाई नहीं, एनिमेशन तो ऐसा आ रहा है जैसे कुछ फट रहा हो, लेकिन भाई कुछ भी जवाब नहीं होता है, इस पर मारते नहीं हो रहा है भाई। तो इसी के साथ हमें प्राप्त होता है हमारा पहला बस्टेड वाला मिथ, क्योंकि भाई ये वर्क बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट मिथ। क्या हमारा ये मिथ भी इसी पे आधारित है? क्योंकि टीएनटी को ब्लास्ट करते हैं कुछ ऐसे करके तो भाई हम उसे कितना भी चाहे दूर नहीं भेज सकते, जितनी देर वो फट ना जाए। लेकिन इस मिथ का कहना है कि क्या हम टीएनटी को विंड चार्ज की मदद से दूर भेज सकते हैं? आइए देख लेते हैं, ये तो भाई देखने लायक होगा। सिंपली सबसे पहले कर देते हैं टीएनटी को फ्लिंट, उसके बाद निकालेंगे विंड चार्ज, और भाई देख पा रहे उसको मैं नीचे फेंक पा रहा हूँ और ये वह पानी के अंदर चला गया। भाई ब्लास्ट तो ऑब्वियसली नहीं होगा क्योंकि पानी के अंदर गया है, लेकिन भाई इसने इसको काफी ज्यादा दूर फेंक दिया था। सो कहना पड़ेगा इस वाले वर्जन में काफी अच्छी चीजें देखने को मिल रही है, मतलब दिस मिथ इज 100% कंफर्म। गाइस क्या आप भी कुछ ऐसे ट्रैम्पोलिन बनाना चाहते हैं जो कि भैया को इतना ऊंचा उछाले जो कि भाई देखने लायक हो? सो आइए देखते हैं कैसे बनेगा ये। सो गाइस इसको बनाने के लिए सिंपली आपको चार डिस्पेंसर कुछ ऐसे करके प्लेस कर देने हैं। कुछ ऐसे करके प्लेस करने के बाद सेंटर में आपको प्रेशर पेन लगा देनी, उसके बाद सब में आपको जो विंड चार्ज कुछ ऐसे करके भर देना है। उसके बाद जब आप इसके सेंटर में जाओ कुछ ऐसे उड़ना शुरू कर जाओगे। देख पा रहे हो कि कैसे भाई मैं इतनी दूर गिरा हूं, लेकिन अगर आपको सेफली साथ लैंड करने है उसके लिए आपको सिंपली करना है, आपको लेनी है एक स्लाइम। स्लाइम को कुछ आजू बाजू कुछ ऐसे लगा दे ताकि आप जब भी फटका पड़े भाई आप इसके साइड में गिरो। आप कुछ ऐसे करके स्लाइम लगाते जाना है ताकि अगर आप गिरो भी तो भाई आपको एक बाउंस मिलो, आप फिर से इसके अंदर जा सको। तो मैंने लगा दिया, अब सिंपली इसके अंदर चलते हैं और देखना भाई मैं कैसे इसके अंदर जाने वाला हूँ। और मैं ये गया, उसके बाद देखना कि मैं इसके साइड में गिरूंगा, और देखो फिर से गिरा, उसके अंदर जाने की नाकाम कोशिश, और देख पा रही फिर से मैं इसके अंदर जा चुका हूँ। ऐसे आप जो सेफ्टी के साथ लैंड हो सकते हो। तो हमारे 1.21 में आने वाला ये वेपन जिसका नाम है मेस, इससे क्या हम जो ड्रैगन को वन शॉट कर सकते हैं? स्विस मिथ का तो यही कहना है हम इसके साथ जो ड्रैगन को वन शॉट कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं हम। तो भाई ये बंदा जो वन शॉट में मरने वाला ही नहीं है, देख पा रहे कितने भाई इसको क्रिट भी दे रहा हूँ फिर भी भाई ये मर नहीं रहा एक बार में। उसी के साथ हमारा ये मिथ एकदम से बस्ट हो जाता है। खामो को भाई एंड में आगे से मेरा काफी ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, देखने में काफी ज्यादा भाई ये वेपन कूल है, लेकिन भाई वन शॉट नहीं कर सका तो क्या हुआ भाई, और किसी पे ट्राई करके जरूर देखेंगे इसको। वेट अ मिनट भाई, हमारे ये वाले मिथ के मुताबिक हम जो मेज को चैनलिंग लगा सकते हैं। भाई ये काफी ज्यादा क्रेजी वाला मिथ है क्योंकि भाई देखने वाला होगा हम ट्राइडेंट के ऊपर चैनलिंग लगाते हैं, भाई इसके ऊपर लगा पाएंगे? आइए देखते हैं। तो ठीक है, आपके भाई ने चैनलिंग की बुक ले ली, इसके अंदर फटाफट से मेज को रख, उसकी दूसरी साइड रख देते चैनलिंग, उसके बाद देखते हैं रिजल्ट। भाई इसके ऊपर लग सकती है भाई। तो गाइस अपने मेज को चैनलिंग तो लगा ली, लेकिन भाई इसको टेस्ट करना तो बनता है। इसी के साथ मैं ट्राइडेंट के ऊपर भी चैनलिंग लगा कर रखी है इसको टेस्ट करने के लिए। फटाफट से चलते, एक मोब मेरे को दिख चुका है, इसको सबसे पहले हम मारने वाले मेज से, और भाई इसको मार दे, बिल्कुल भी बिजली कड़की नहीं है। इसी के साथ हम दूसरी तरफ मारने वाले ट्राइडेंट के साथ, तो देख पा रहा भाई ये चार्ज क्रीपर में कन्वर्ट हो चुका है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। चलो गाइस मार लेते, क्रीपर के ऊपर नहीं वर्क करी, लेकिन भाई स्पाइडर के ऊपर तो करनी चाहिए ना, इसीलिए स्पाइडर के पास आ चुका है, इसको मारते हैं। अरे भाई कुछ नहीं हो रहा भाई, फेंक ही जा नहीं रही है भाई। चलो मार लेता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ भाई, कुछ नहीं हो रहा है। अब मारते ट्राइड, अरे अरे गाइस ये कैसे मर गई भाई मेरे को नहीं पता।
घोड़े को मार कर देखते हैं। रुको, ये करा राइट क्लिक और मारते दो हिट देंगे बस, नहीं हुआ कुछ। ट्राइडेंट जिंदाबाद है भाई, जिंदाबाद है ट्राइडेंट, क्योंकि भाई इसके ऊपर लग गई वो भी सिर्फ नाम की, किसी काम की तो थी नहीं, बस नाम की थी, तो इसलिए ये जो काफी बुरी तरीके से बर्स्ट हो चुका है। सो एज यू नो कि भाई 1.21 में काफी ज्यादा चीजें ऐड हो रही है, जिसके साथ ऐड हो रहा है हमारा ये ट्रायल स्पोनर, जिसके साथ हम जो किसी भी मोब का स्पोनर बना सकते हैं। तो स्मिथ के मुताबिक हम जो वार्डन का भी स्पोनर बना सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा क्रेजी होना है। फटाफट से क्या करते हैं भाई, हम स्पोनर बना लेते हैं, एक चाहिए होगा एग वार्डन का, उसके साथ चाहिए होगा ये एग को कुछ ऐसे करके लगाना है। और भाई देख पर वार्डन अंदर घूमने लग पड़ा है, देखते भाई ये स्पोन होगा या फिर नहीं। और भाई बन तो चुका है भाई, एकदम से प्रॉपर भाई घूम रहा है सेंटर में भाई ये। सो गाइस ये बन तो चुका है, मतलब भाई मिथ जो एकदम से कंफर्म हो चुका है, लेकिन इसके अंदर से कुछ भी नहीं अभी तक निकला है, मतलब लगता है कि भाई इसको अंधेरे की जरूरत है। तो हमारे अगले मिथ में ये कहना है कि भाई हम ट्रायल स्पोनर को अगर तोड़ते हैं तो उसके अंदर से काफी अच्छी लूट मिलती है। तो ठीक है भाई, मैं सर्वाइवल में आ चुका, इसको तोड़ कर देखते हैं। और भाई कुछ निकला भाई, अबे वार्डन निकल आया भाई, बताओ भाई दो भी पछाड़ करेगा भाई, ये तो वार्डन ही वार्डन आ रहे हैं भाई, पहले कुछ निकला नहीं, अब वार्डन ही वार्डन आ रहे हैं भाई, भागो भाई। तो भाई उधर तो वार्डन स्पॉन हो गए, इसलिए भाई मैं आ चुका हूँ दूसरी जगह पे, इधर लगाते हैं स्पॉनर, उसके बाद इसको तोड़ते हैं भाई। तो टूटने में काफी ज्यादा टाइम ले रहा है भाई, भाई साहब ऑब्सीडियन लग रहा है भाई, नेदरराइट की पिकैक्स है गाइस, ये टूटने में काफी ज्यादा टाइम ले रहा है, लगता है भाई मेरे को मैं बेडरॉक तोड़ने लगा हूं। और भाई टूट जा फटाफट से भाई, टूट जा टूट जा। ओए तो जैसा कि गाइस आपने देखा भाई, ये टूट भी चुका है और इसने भाई हमें कुछ भी नहीं दिया है। तो गाइस दिस मिथ इज काफी ज्यादा बजी, क्योंकि भाई इतनी मेहनत करने के बाद भी भाई इसने कुछ नहीं दिया, नेदरराइट की पिकैक्स से साथ तोड़ा भाई इसको, फिर भी इतना टाइम ले रहा भाई। तो निवाच वाच की वीडियो का यही अंत करते हैं, अगर आपको फीचर होना तो आपको नए नए मेजर फैक्ट कमेंट करते रहना होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।